देख रहे हैं अंबर टाइम। आज की रात शहर में चकाचौंध भरी रहेगी। गणेश उत्सव के अंतिम दिन गणेश विसर्जन के साथ 10 दिवसीय उत्सव का समापन होगा। सुबह से जगह जगह से मंगल मूर्ति के विसर्जन के लिए चल समारोह निकलने शुरू हो गए थे। वाहनों पर भी नागरिक मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ढोल धमाकों के साथ ले गए। प्रशासन ने गणपति प्रतिमा विसर्जन के लिए प्राचीन झाली तालाब हनुमान ताल में परंपरा अनुसार व्यवस्था की थी। कुछ लोग सीधे जावन पाटली और माही नदी भी ले गए। शाम ढलते ही शहर चकाचौंध रोशनी में डूबा रहेगा। रात को झिलमिलाती झांकियों का कारवां निकलेगा, जिससे हजारों हजार आंखें निहारेंगी। यह सिलसिला शुक्रवार तड़के सुबह तक चलेगा। झांकियों में आमलिया भेरू स्थित जवाहर व्यायामशाला, चांदनी चौक स्थित आजाद क्लब, पैलेस रोड स्थित श्री नित्य चिंताहरण गणपति मंदिर, कॉलेज रोड स्थित आरोग्य हिंद व्यायामशाला, बाजना बस स्टैंड स्थित श्री राधे कृष्ण व्यायामशाला, हाटकी चौक स्थित नव निर्माण हिंद व्यायामशाला सहित अन्य झांकियां शरीक रहेंगी। झांकियों के आगे बैंड, घुड़सवार के अलावा व्यायामशाला के पहलवानों के हैरत अंगेज करतब आकर्षण का केंद्र रहेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर में इस्लाम धर्मालुजनों ने जुलूस निकाला। आबकारी चौराहे से सीरत कमेटी ने परंपरा का निर्वाह करते हुए जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन एवं बच्चे शरीक हुए, जो धर्म पताकाओं के साथ ही तिरंगा ध्वज लहराते हुए चल रहे थे। जुलूस का जगह जगह मंच बनाकर स्वागत किया गया। जुलूस में समाजजनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर निकले जुलूस में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी। सुबह 9 बजे प्रारंभ हुआ जुलूस दोपहर को समाप्त हुआ। मुल्क की तरक्की और अमन शांति की सामूहिक दुआ की। सीरत कमेटी द्वारा निकाले गए जुलूस में घोड़े, बग्घी, बैंड, डीजे, मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआ मांगी गई। सैकड़ों लोडिंग व 3 पहिया वाहन शामिल थे। शहर में कई स्थानों पर जुलूस का स्वागत किया गया। शहर काजी सहित समाज के वरिष्ठ व अन्य मौजूद रहे। पुलिस की माकूल व्यवस्था रही। सरकार नबियों के सरदार, लोचन के मुख्तार है सबके गमखार। क्यों आज झूमे के सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार। सदे हुए कदमों से चलने के लिए दोनों हाथों में लकड़ी, आंखों में काला चश्मा, बड़ी हुई दाढ़ी, मैले कपड़े पहने यह बुजुर्ग अपनी पत्नी, जो लकड़ी के सहारे ही पति के साथ चल रही है, ये दोनों कलेक्टर ऑफिस इसलिए पहुंचे थे कि ये दंपत्ति कलयुग में कलयुगी बेटे की यातनाओं से त्रस्त होकर न्याय की गुहार लगाने आए थे। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब नहीं थे, तो उनकी मानवीय संवेदना भी शायद मरी हुई थी।
किसी ने कोई सुनवाई नहीं की तो बुजुर्ग दंपत्ति धरने पर बैठ गए। बुजुर्ग माता पिता अपने ही बेटे के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों से सहायता नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। दोनों मावता गांव के रहने वाले पन्नालाल प्रजापति और शांतिबाई है, जो अपने पुत्र से परेशान होकर रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। परेशान होकर बुजुर्ग दंपत्ति कार्यालय के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। दो घंटे तक बुजुर्ग दंपत्ति कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर ही बैठे रहे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। इसके बाद नायब तहसीलदार ने उन्हें संबंधित थाने पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने को कहा और इतिश्री कर ली। ऐसी स्थिति में सुशासन की बात सवालों में ही घिरी रहती है। ये लिखा किसने दादा? आपने लिखा? मैं प्रदेश व्यापी हड़ताल के अंतर्गत रतलाम जिले के पटवारियों की हड़ताल का समर्थन कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत ने किया। पटवारियों के हड़ताल स्थल के मंच पर सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत ने कहा कि पटवारी साथी विगत एक माह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार किसानों एवं पटवारियों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। 2007 में की गई घोषणा का आज तक पालन नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार आने पर प्रथम कैबिनेट बैठक में कमलनाथ जी के वचन के अनुसार पटवारियों की ग्रेड पे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। इधर पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार द्वारा प्रेस बयान जारी कर कहा कि कल से न्यूज चैनलों पर समाचार पत्रों में पटवारियों को 4,000 रूपए अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की खबरें प्रसारित की जा रही है, जिसका पटवारी संघ खंडन करता है। मध्य प्रदेश शासन की जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर कैबिनेट की हुई बैठक के निर्णयों में पटवारियों को भत्ते दिए जाने संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस हेतु प्रदेश के समस्त पटवारी संघ के जिला अध्यक्षों द्वारा एक मत से हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आज मैं जिस कार्यक्रम में आया हूँ, हमारे पटवारी साथी विगत एक महीने से धरने पे बैठे हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार उन पटवारियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज मध्य प्रदेश में हालत क्या है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखे की स्थिति है, कहीं फसलें बह गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को जरा भी ना किसानों का दर्द महसूस हो रहा है, ना इन हमारे पटवारी भाइयों का दर्द महसूस हो रहा है। 2007 की घोषणा 2800 ग्रेड देने की, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। 258 रुपये मकान का किराया दिया जाता है पटवारी को, 300 रुपये वाहन भत्ता दिया जाता है पटवारी को, लेकिन आज पटवारियों का पास कितना काम है, वो वहाँ से जो आज महंगाई का दौर है, उस दौर में हमारे पटवारी साथियों की मांगे बहुत ही वाजिब है, और ये सरकार उनसे वादा करके पलट चुकी है। उनके संघर्ष में कांग्रेस साथ है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी वचन दिया है, उन्होंने छिंदवाड़ा की सभा में भी आपके धरने पे भी वो गए हैं, और उन्होंने सभी हमारे मध्य प्रदेश के पटवारियों को आश्वासन दिया है कि हमारे वचन पत्र में उनकी मांगों को शामिल किया जाएगा, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में पटवारियों की मांगों को मंजूर। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।